चलो शुक्र है कि अदील दुबई गया। सब जाके मेहनत से काम करे और कुछ पैसे कमा ले। कमा लेगा, उस पे जिम्मेदारी है। कमाई न ले वैसे। क्या हुआ, तुम कुछ थके थके से लग रहे हो? नींद पूरी नहीं हुई? सब ठीक है। तुम्हें पता है फाहम, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि तुम किस तरह ये सब कुछ मैनेज कर लेते हो। मतलब घर, फिर ऑफिस, फिर फैक्ट्री। सब मैनेज हो जाता है। तुम बताओ, घर चलोगी? नहीं, मुझे फ्लैट पे ड्रॉप करना। मैंने वहां से कुछ सामान उठाना है और कीज भी लेनी है और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उठाने हैं। ठीक है, मैं तुम्हें फ्लैट पे ड्रॉप कर देता हूँ। तुम अपने डॉक्यूमेंट्स पिक कर लो, उसके बाद हम इंटीरियर डिजाइनर के पास जाएंगे। ओके। बाकी तुम दिल की फिक्र मत करो। मैं ना अभी भी एक कंफ्यूजन में हूं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैं मॉम के घर पे जाके रहती हूँ और जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी बीवी उस घर में आएगी, तो पता नहीं तुम्हारी बीवी वहां मेरा रहना पसंद करे या ना करे। मतलब मेरी बीवी को क्यों एतराज होगा? निमरा, वो जितना मेरा घर है उतना वो तुम्हारा भी है। या तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन ख्याल तो आता है ना दिन में। ऐसा करना, तुम अपनी गाड़ी पे आ जाना। गाड़ी वो तो मैंने सेल कर दी। अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे मुझे बता देती। हम पैसे तो चाहिए थे, लेकिन मुझे नहीं, अदील को। उसने किसी के 6 लाख रुपए देने थे। इट्स ओके, वैसे भी उस गाड़ी का मॉडल पुराना हो गया था। अदील ना, ओके, मैं फिर सामान लेकर आती हूँ। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। बस 1 मिनट में आई।